हरदोई के माधवगंज थाना इलाके में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि इस हत्या में 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में वह दोनों लोग निर्दोष पाए गए। एएसपी ज्ञानंजी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि माधवगंज थाना इलाके के गोखले नगर निवासी प्रमोद का शव 7 जनवरी को नहर में पड़ा मिला था। इस मामले में मृतक प्रमोद के पिता राजा राम ने 1 जनवरी को ही अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और शव मिलने के बाद कस्बे के ही दिनेश और पिंटू पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी तफ्तीश में हत्या में नामजद किए गए दिनेश और पिंटू की नामजदगी को गलत पाया और तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि लल्लन व दीपांशु निवासी गोखले नगर व भोला निवासी किदवई नगर माधवगंज के साथ प्रमोद को देखा गया था और उसके बाद वे सब गायब हो गए थे। पुलिस ने जब तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने पुलिस को बताया कि शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद इन तीनों लोगों ने मिलकर प्रमोद की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। प्रमोद का शव ना मिले इसके लिए उसके शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीनों को जेल भेज दिया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। प्रमोद कश्यप नामक व्यक्ति था, करीब 24 साल का था और वो अचानक अपने घर से गायब हो गया था। उसकी गुमशुदगी दर्ज थी और बाद में उसकी डेड बॉडी नहर में मिली थी, जिसमें उसका पैर बंधा हुआ था और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके सर पर एक चोट थी, जिसके नाते उसकी मृत्यु हुई थी, यह उसमें आया था। इस पूरे घटनाक्रम के घटना का आज अनावरण किया है पुलिस ने और पुलिस उनके जितने भी मेली मददगार और जो भी उठने बैठने वाले ऐसे लोगों की जो है तलाश में थी और ऐसे साक्ष्यों की तलाश में थी। आज ये लल्लन दीपांशु और भोला कश्यप ये 3 लोग पकड़े गए हैं। इन लोगों ने जुर्म इकबाल किया है और इन्होंने बताया कि घटना का कोई मोटिव नहीं था, बस नशे की हालत में हम लोग थे, नशे में किसी बात पे इनका वाद विवाद हुआ, उसमें उसने एक सर पे एक डंडा मार दिया जिससे उसकी डेथ हो गई और उसके मफलर से उसका पैर बांध दिया और उसकी चप्पल को उसके जैकेट में निकाल करके डाल करके उसको शव को नहर में फेंक दिया। इस बात का इन्होंने इकबाल जुर्म किया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भेजा जा रहा है। घटना में अन्य साक्ष्यों के भी जो भी आवश्यकता है उसकी तलाश की जा रही है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है। नामजदगी इसमें पहले कुछ लोगों की की गई, इसमें नामजदगी वादी ने अपनी लड़की और उसके दोस्तों के ऊपर उन्होंने शक जाहिर किया था, लेकिन उनका शक गलत निकला और ये 3 नए व्यक्ति प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।